तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो जैसा कि मैंने कल भी आप सबको बताया था कि आज हम क्या काम करेंगे, अपना ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट करने का। तो पिछले कल मैंने आपको बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स भी बताई थी, उनमें से हम गूगल के अंदर हम अपना ईमेल आईडी, अपना जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम वेब ब्राउजर के अंदर। गूगल क्रोम के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा वेब ब्राउजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके जीमेल के अंदर जा सकते हैं और यहाँ से भी जीमेल पे क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हैं और वहाँ से जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये वाला मेथड नहीं अपनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि www की वर्ल्ड वाइड वेब .gmail.com। तो हम ऐसे ही भी वेबसाइट के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही अकाउंट यहाँ पे बनाए हुए हैं ना और लॉगिन किए हुए हैं, तो ये ऑलरेडी वैसे आ रहे हैं, लेकिन हमने बनाना है नया अकाउंट। तो इस ऑप्शन पे चले जाएंगे, यूज अनदर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे जाके अंदर नीचे यहाँ जैसे ऑप्शन आएगी क्रिएट अकाउंट, ठीक है। अगर हमारा पहले से बना हो तो सीधा यहाँ पे एंटर करेंगे, लेकिन आपका बना नहीं है तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, बनाएंगे किस चीज़ के लिए, टू मैनेज माई बिजनेस या अपने लिए बनाएंगे फॉर माई सेल्फ, माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे ये पूछेगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट टू कंटिन्यू टू जीमेल, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो जैसे विकास है तो विकास का इस तरह से एंटर कर देंगे, विकास, या फिर मैं अपने नाम से बना देता हूँ उसको, ठीक है, सुनील कौशल, ठीक है। और यहाँ पे मैं भर दूंगा अपना एड्रेस, ये एड्रेस जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, इस तरह का कोई भी एड्रेस जो है वो पहले नहीं बना होना चाहिए, ये अपने आप बताता है हमें यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, आपने जो भी अपना आईडी रखना है, ठीक है, अपने यूजर का जो भी आईडी रखना है, यूजर का नाम रखना है, वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है, ये अपने आप खुद चेक करके बताएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे कौशल लेक्चरर सुनील, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अभी अपने आप खुद चेक करेगा, नाम से अगर नहीं बना होगा तो ये अपने आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, नहीं तो एरर दे देगा, ठीक है। अब इसके लिए रख लेते हैं हम पासवर्ड, मैं यहाँ पे सिंपल सा ही पासवर्ड रख रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे demo@123, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम वही पासवर्ड demo@123, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल डालना है, ठीक है। यूज 8 or more करेक्टर विद ए मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सिम्बल्स, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डी बड़ा रखा, बाकी छोटे emo स्मॉल कैपिटल लेटर में @ लिखा, बीच में सिंबल 123 और डिजिट भी यूज कर लिया, यानी कि मिक्स लेटर होते हैं नंबर भी और सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया demo@123 और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए demo@123, ठीक है। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर यहाँ पे पूछेगा एंटर योर फोन नंबर, तो यहाँ पे हम अपना फोन नंबर डाल सकते हैं शुरू में भी, मैं अपना नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर कोई बना हुआ है आपका पहले तो रिकवरी वाला डाल देते हैं, जैसे मैंने अपना एक पहले भी बनाया हुआ है तो उसको मैं रिकवरी के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं डालना होगा तो ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल, नहीं डालना होगा तो भी कोई बात नहीं, वी विल यूज इट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। यहाँ पे डालेंगे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जैसे मेरी 4th of June 1987 है तो मैं यहाँ पे जून सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 04 और यहाँ पे 1987 योर बर्थडे, ठीक है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे मेल और इसके बाद फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर,
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे नंबर पे ये बोलेगा कि टू मेक श्योर दिस नंबर इज योर, बोल रहा है कि आप श्योर हैं कि आपको पक्का पता है कि ये नंबर आपका है, गूगल विल सेंड अ टेक्स्ट मैसेज विद दिस 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड। तो गूगल जो है इस नंबर के ऊपर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे सेंड करूंगा तो उस पर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, ठीक है। वो वेरिफिकेशन कोड हमने अगले पेज के ऊपर फिर एंटर करना होता है, ठीक है। अब इसने जो है वो वेरिफिकेशन कोड भेज दिया है मोबाइल नंबर के ऊपर, अब मोबाइल ने अपने मोबाइल चेक करना है और उस नंबर को यहाँ पे भरना है, ठीक है। मेरा जो वेरिफिकेशन कोड है वो है 349419, ये मोबाइल नंबर के ऊपर जो मैसेज आया अभी, ठीक है। उसके बाद क्लिक करूंगा मैं वेरीफाई के ऊपर, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। और उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा यस आई एम इन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस आएंगी, अभी आपको शायद समझ ना आए आपने क्या करना है। यहाँ पे इन टर्म्स और कंडीशंस को सिर्फ एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे लोड कर रहा है ये फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये मेरा अकाउंट जो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे बोलेगा ये वेलकम, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, एक बार ओके कर देना है, डिफॉल्ट सेट कर देना है इसको ओके, ठीक है। ये हमारा जो अकाउंट है बन के तैयार हो गया। अगर इसको हमने चेक करना तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फोटो भी रख सकते हैं हम अपना। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो ये बनाया मैंने अकाउंट kaushalleasy@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड रखा था इसका demo@123, ठीक है। ऐसे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम कंपोजिंग करेंगे, जिसको अपना मैसेज भेजना हो वो हम यहाँ से भेजते हैं, ठीक है। कंपोज के ऊपर क्लिक करते हैं, कंपोज के बाद यहाँ पे हम एड्रेस डालते हैं जिसको हमने ईमेल भेजनी हो, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे भेजनी है तो हम उसका एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे कि क्या भेज रहे हैं मैसेज, ठीक है। जैसे मान लो मैं बिजली का बिल भेज रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद मान लो बिल की फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से अटैच कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ₹150। अगर कोई फाइल भी अटैच करने के लिए तो यहाँ से फाइल को हम अटैच करते हैं यहाँ से। फिर हमने जो कंप्यूटर में फाइल जहाँ पे रखी होती है उस ड्राइव के अंदर जाना होता है हमने, और वहाँ उस ड्राइव के अंदर जाकर उस फाइल को ढूंढ के हमें सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे ये है एफ ड्राइव के अंदर कोई फाइल, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये है इसको सिलेक्ट किया, ओपन किया, ये यहाँ पे बफर लोड करेगा इस तरह से, ये हमारी अटैचमेंट लग गई है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे इसको सेंड, ठीक है। अब ये हमारा मैसेज जो है ये देखो नीचे आ गया कि मैसेज सेंड हो गया है। जो सेंडिंग वाली आइटम होती है वो इसके अंदर हो जाती आती है यहाँ पे, जैसे मोबाइल फोन होते थे ना पहले, इनबॉक्स के अंदर जो मैसेजेस आते थे वो इनबॉक्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो मेल्स हम भेजते हैं वो सेंड के अंदर, ठीक, फोन की तरह ये भेजी हमने मेल। तो ये अगर मुझे कोई और दूसरा पर्सन भेजता है मेल मैसेजेस वगैरह भेजते तो हम उसको इनबॉक्स के अंदर चेक करेंगे। तो आज के लिए हमारा यही कॉन्सेप्ट काफ़ी था, तो कल फिर हम नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।